हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बाढ़ की तबाही ने बिहार के मुजफ्फरपुर के लोगों को कितना मजबूर कर दिया है, ये तस्वीरें इसकी दर्द भरी कहानी बयां कर रही हैं। बिहार के कटिहार में कुदरत के आगे मजबूर लोगों की स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग बाढ़ के बीच से गुजरने को बेबस हैं। बाढ़ की बाधा को पार करने के दौरान कुछ लोगों की साइकिल और बाइक भी फंस जाती है। तस्वीरें बिहार के अलग अलग शहरों की हैं। लगातार जारी बारिश की वजह से यहां नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को ठेले और ट्रैक्टर पर नाव लेकर नदी किनारे पहुंचाना पड़ रहा है। उफान मारते पानी की ये तस्वीरें किसी नदी की नहीं बल्कि एक मोहल्ले की हैं। तस्वीरें तेलंगाना के सिद्धपेट की हैं। यहाँ बाढ़ के पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों के घरों में कमर तक पानी भर गया है। यहाँ बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को अपने ही आशियाने को छोड़ सुरक्षित जगह के लिए पलायन करना पड़ रहा है। खून खौला देने वाला ये वीडियो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर का है, जिसमें हल्के नारंगी रंग की शर्ट पहना ये शख्स एक दिव्यांग महिला की बुरी तरह पिटाई कर रहा है। इस सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये शख्स पहले महिला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है, उसके बाद मेज पर पड़ी लोहे की एक रॉड से महिला के सिर पर बेतहाशा वार करने लगता है। काफी मुश्किल से बीच बचाव करके दो लोग इस जालिम शख्स से महिला को बचाते हैं। अब दिव्यांग महिला की पिटाई करने वाले इस बेरहम इंसान का परिचय जान लीजिए। ये शख्स आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग के डिप्टी मैनेजर भास्कर हैं, जिन्होंने एक दिव्यांग महिला कर्मचारी की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उस महिला ने उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा था। सीसीटीवी पर रिकॉर्ड ये घटना शनिवार की है। पीड़ित महिला ने मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के रोहतास की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बाइक चेकिंग के नाम पर पुलिस किस कदर आम लोगों से गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस की वर्दी का रौब और डंडे के जोर का ये वीडियो रोहतास के डेहरी पाली रोड का है। यहाँ चेकिंग के दौरान रोका गया शख्स जब पुलिस से अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तब पहले तो ये पुलिसकर्मी उसे धक्का देता है, फिर डंडे का अगला हिस्सा उसके मुँह पर मार देता है। अब दादागिरी कर रहा ये पुलिस वाला अपना रौब दूसरे शख्स पर झाड़ता है और उस पर भी घूंसों से वार करने लगता है। दोनों लोगों को कुछ आगे ले जाने के बाद उन पर पुलिसिया लाठी कहर बनकर टूट पड़ती है। सिर्फ 15 सेकंड के इस वीडियो में पुलिस की व्यवस्था और बैरिकेडिंग टूट के ध्वस्त हो जाती है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ में बीजापुर के डीएम ऑफिस के बाहर की हैं। यहां कल करीब 50 गांवों के लोग 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके डीएम ऑफिस पहुंचे थे। अपनी मांगों को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे सैकड़ों लोगों को पुलिस ने अंदर घुसने से रोकने की कोशिश की। लेकिन गुस्साई भीड़ बैरिकेड तोड़कर डीएम ऑफिस में घुस गई। ये लोग तेंदू पत्ते के संग्रह के लिए नगद भुगतान की मांग कर रहे हैं। डीएम के आश्वासन के बाद गांव वालों का गुस्सा शांत हुआ। और अपना ज्ञापन लेकर आगे आइए और अपनी मांगों को रखिए। सड़क
सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा है और नीले रंग की शर्ट पहने एक शख्स को महिला थप्पड़ों से पीट रही है। थोड़ी देर बाद पास ही खड़े पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए आते हैं, लेकिन युवक पुलिस से भी हाथापाई पर उतर आता है। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीरें यूपी के बांदा की हैं। यहां महिला ने इस शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मारपीट शुरू हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक शख्स जमीन पर लेटकर बोरवेल के गड्ढे को देख रहा है, तभी कुछ लोग उसके पैर पकड़कर उसे गड्ढे में डाल देते हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये क्या हो रहा है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। कुछ देर बाद बोरवेल के गड्ढे से बाहर आने वाले शख्स के हाथ में एक बकरी होती है। बोरवेल के गड्ढे में गिरी बकरी को बचाने के लिए ये शख्स अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर बकरी को सही सलामत बाहर निकाल लाता है। वीडियो काफी समय पहले का बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही असम पुलिस के एडीजी ने बकरी के रेस्क्यू के इस वीडियो को शेयर किया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। आसमान में चारों ओर टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। पलक झपकते फसलों को चट करने वाली टिड्डियों को भगाने के लिए प्रशासन ने नया तरीका इजाद कर लिया है। टिड्डियों का सफाया करने की ये तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं। यहाँ जैसे ही टिड्डियों ने फसलों पर हमला शुरू किया, प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और टिड्डियों पर ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव शुरू कर दिया। ड्रोन के हमले से करीब 60 से 70% टिड्डी को मार गिराया गया।